अनम्यूट करा करके जोरदार तालियों से हमारे अपकमिंग डायरेक्टर साहब गोल्ड लॉयन मिस्टर सफी मोहम्मद सर का जोरदार तालियों से वार्म वेलकम करते हैं। सो नाउ प्लीज वेलकम ऑन द जूम पैनल मैं कौन सी मात्रा लगेगी? ऑल पार्टिसिपेट थैंक यू सो मच एंड अगेन गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। बहुत बहुत स्वागत है सर, वेलकम, खुशामदीद। आज आपने अपना कीमती समय दिया और यहाँ पर हमारे बीच उपलब्ध हुए हैं। सबसे थैंक यू सर। पहले हम आपके बहुत थैंक्सफुल हैं कि आपने एक कीमती समय दिया और आज सेशन के लिए हमारे बीच में 491 लोग हैं जो आपको यहाँ पर सुन रहे हैं। और आप टेंस ग्रुप में गोल्ड लाइन की पोस्ट पर है, गोल्ड लाइन के लेवल पर हैं और एक बहुत ही अच्छा लेवल होता है। तो सर सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन हमारे पास है, उसमें सबसे पहले हम आपसे सर एक पूछना चाहेंगे। आपका पूरा परिचय, आपने कहाँ जन्म लिया, आपका पूरा नाम क्या है, आपने कहाँ एजुकेशन ली और कैसे कैसे अपने कैरियर को शुरुआत करी और ट्यान शुरू करने के कैसे आपके मन में ख्याल आए, तो सर पूरा परिचय के साथ शुरू करें। ओवर टू यू सफी सर। थैंक यू सर। थैंक यू भुलवे जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे वेलकम एक सर, वेलकम वेलकम, गुड मॉर्निंग थैंक सर। यू सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। और आपने मुझे इनवाइट किया, मैं बहुत लकी हूँ कि आपने मुझे आज के सेशन में इनवाइट किया। और मेरा नाम सफ़ी मोहम्मद है, मैं अभी पिछले 11 सालों से दिल्ली से मैं रहता हूँ और पिछले 30 सालों से मैं फिरोजाबाद में रहा। उससे पहले मैं अपने जो है गांव में, जहां मेरा जन्म स्थान था अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, बेसवा नाम से है, वहां पे मैं पढ़ा, बड़ा हुआ और बहुत सारे सपने लेकर के हमने शुरुआत की अपनी ज़िंदगी की। और हाई स्कूल हमने वहां से पढ़ा, बेसवा एक कस्बा है अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो है, थाना इगलास में। और वहां से पढ़ाई करने के बाद, बहुत सारे सपने लेने के बाद, मन में ये आया कि कोई ना कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो और हम अमीर बन जाएं और हम जो है बहुत सारा पैसा कमाएं। जिंदगी की शुरुआत की तो बहुत सारा कुछ करने के बाद पता लगा कि बाहर अगर चले जाएं, सऊदीया चले जाएं, कहीं चले जाएं, विदेश चले जाएं, तो एक अच्छा वहां पर पैसे मिलते हैं, अच्छी इनकम आती है और अच्छी सैलरी मिलती है। तो समझा कि किस ट्रेड में जाना चाहिए, किस बिजनेस में जाना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए। तो मुझे पता लगा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर एक बहुत अच्छा सेक्टर है जो कि उसमें काम किया जा सकता है और बाहर विदेश जाया जा सकता है। तो मैंने ऑटोमोबाइल्स का सेक्टर चुना और मैंने सीखा, MITI की मैंने भोपाल से, और आगे की पढ़ाई चालू की। करते करते पढ़ाई लिखाई चालू करते करते अपना काम सीखते सीखते मैंने सऊदीया के लिए अप्लाई किया। और ऐसे ही अप्लाई किया तो वहाँ पर नंबर आया और लगभग लगभग 2,000 लोग थे और उसमें मेरा पहला नंबर आया वहाँ पर जो है। कोई पैसे नहीं दिए, कोई रिश्वत नहीं दी और मैं बड़ा खुश हो रहा था कि मुझे सऊदीया जाने का मौका मिल रहा है। और मेरा मेडिकल हो गया, मेरे मुझे दस्ताने मिल गए, ड्रेस मिल गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया मेरा मेडिकल होने के बाद। मेरा पासपोर्ट, वीज़ा सब कंप्लीट हो गया। लेकिन मेरे जब घर वालों को पता लगा, जब मैं दिल्ली में रहता था, घर वालों को पता लगा तो घर वाले बहुत नाराज़ हुए कि अभी किसी की घर में शादी नहीं हुई है, ये बाहर चला जाएगा तो पता नहीं कितने दिन बाद आएगा। और मेरे पिताजी ने कहा कि आपको यहीं काम करना है, ये जो भी कुछ काम करना है। और मैं वहां पर नहीं गया तो फिर मैंने कहा कि मैं विदेश यात्रा मुझे करना है तो मैं कहीं ना कहीं मैं जाऊंगा। तो फिर मैं पाकिस्तान होकर के आया, 1 महीने वहां पर रह करके आया। छोटी बहन की बड़े भाई की शादी हुई, उसमें वहां से मैं बहुत परचेजिंग करके लाया। और उसके बाद जो है फिर मैंने ऑटोमोबाइल्स में अपने, जहाँ से भाई की शादी हुई थी वहाँ पर घूमने के लिए गए हुए थे, तो वहाँ से जो है हमने देखा कि यहाँ से हम स्टार्टिंग कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने काम भी सीखा है। और वहाँ पर एक दुकान, छोटी सी दुकान जो मैं दिखाता हूँ आपको फोटोज में जो है बहुत सारे, कि वहाँ से 125 रुपये की किराए की दुकान, उनसे कहा था ये 3 महीने में 125 रुपये देंगे,
और 3 महीने के बाद 150 कर देंगे। और वहां से जो पहले दिन से स्टार्टिंग हुई, पहले दिन से काम आना शुरू हो गया, भगवान की कुछ अच्छी प्लानिंग थी, और वहां से पैसा कमाना शुरू कर दिया। और इसके बाद लगभग 30 साल मैंने काम किया, 30 साल में बहुत सारा नाम पूरे मंडल में, आगरा मंडल में, दिल्ली तक से गाड़ी मेरे पास रिपेयरिंग की जाती थी। फिरोजाबाद से पहले मैंने दिल्ली में भी काम किया, मौजपुर में, जहाँ पर मेरा आज अपना पर्सनल ऑफिस है, जिसमें टियांस का ऑफिस है, वहां से स्टार्टिंग किया था। इसके बाद मैंने मथुरा में काम किया, वहां पर काम नहीं चला, पुल टूट गया। इसके बाद तीसरी बार मैंने फिरोजाबाद में काम किया और वहां सक्सेस, सफलता मिली। और 30 साल लगातार काम किया, 30 साल लगातार काम करने के बाद बहुत सारे पैसे बनाए, बहुत सारा नाम बनाया, और बहुत मजे आ रहे थे। मतलब जेबें पूरी भरी रहती थी, मैं रात दिन काम करता था, वो पर जो मैं जिस जगह में काम करता था वो जगह भी मैंने परचेज कर ली। आज लगभग 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की आज जगह है, जो जिसमें आज फ्रेंचाइजी है टीएनएस की, जो है फिरोजाबाद के अंदर। और मैं बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा था, लेकिन जो है 2005 में मुझे डायरेक्ट सेलिंग का पता लगा कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, यहाँ पर पेसिव इनकम भी आती है। मैंने अपने स्कूल का एक उद्घाटन किया था, वहां पर एक लड़का आया था सोनू नाम से, उसने बताया। और जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सुना, देखा, समझा, लोगों से मुलाकात की, और एक बड़ी मीटिंग में जाने का मौका मिला, लगभग 500 लोग थे उस मीटिंग में, पहली मीटिंग में, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन कहते हैं ना, वहां पर स्टेज पे आकर के एक व्यक्ति ने बताया, जो कि इलेक्ट्रिशियन था, मकानों में जो है बिजली फिटिंग का काम करते थे। तो वहां पर मैंने रिलेट किया उस व्यक्ति से, उसका व्यक्ति का पेआउट जो था वो 4,30,000 का था 2005 के अंदर उस कंपनी में। और मैंने उससे रिलेट किया कि मैंने दो तार का मिस्त्री अगर 4,30,000 कमा सकता है, तो मैं तो ऑलराउंडर हूँ, अपनी कारों में तो बहुत सारे तार होते हैं, बहुत सारे कलर के तार होते हैं। तो उससे मैंने रिलेट किया, और वहां से मैंने एक ड्रीम बनाया कि अब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। मेरे गाल पे थप्पड़ लगाया कि सभी यार तू यहाँ पर क्या कर रहा है, तुझे आज जो है लगभग 15-16 साल का समय हो गया इसमें जो है। और इसके बाद फिर मैंने जो है काम किया, बहुत जबरदस्त काम किया, इंडियन कंपनी थी, वहां के सारे रिकॉर्ड तोड़े वहां से जो है, और एक अच्छा लेवल अचीव किया। इसके बाद वो कंपनी बंद हो गई, हमारे सपने चकनाचूर हो गए। हमारी टीम में 1-1.5 लाख 1.5 लाख रुपए महीने लोग कमाते थे, और एक एक दिन एक महीने का टर्नओवर होता था 1 करोड़ 41 लाख का, जिस समय वो बंद हुआ था उनका सॉफ्टवेयर। और इसके बाद फिर तलाश में रहे, कुछ मिले, एक बड़ा कोई प्लेटफॉर्म मिले, बड़ा एक कोई जो है ऑर्गेनाइजेशन मिले, जिसमें अपने जो है हम ड्रीम्स पूरे कर चुके हैं, जिसमें हमने सुना था कि बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद, बहुत सारे मीटिंग्स देखने के बाद, बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद, ये लगा कि डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छी चीज है, और इसमें हमें एक अच्छी कोई कंपनी, अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन मिल जाए तो बहुत बड़ा काम हम कर सकते हैं। और हम तलाश में रहे इंडियन कंपनी में, हमने सोचा कि जहां पर सरकारें स्थिर नहीं है वहां पर कंपनी स्थिर नहीं होती है, तो हमने जो है तलाश में लगे रहे। और वो दिन आया 26 दिसंबर 2014, 26 दिसंबर 2014 का दिन वो ऐसा दिन था, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। एक दिन पहले क्या हुआ था मुझे नहीं पता, एक दिन बाद में क्या हुआ था मुझे नहीं पता, लेकिन उस दिन जो घटना घटी वो मैं कभी, वो दिन मेरे सामने नजर रहता है, घूमता रहता है। और बिल्कुल मैं वो बताएं बताएं दिन सर बताएं। 26 दिसंबर 2014 का दिन, कि वहां पर मुझे टीएनएस के जो प्रोडक्ट हैं उनके उनके प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन मुझे दिखाया गया, तो मैं चकित रह गया कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक टीवी का मैकेनिक ये बता सकता है कि सभी भाई के अंदर कितनी बीमारियां हैं। और मैं जब 44 साल का था, और मैं कह रहा था उनसे ये मशीन तुम्हारी गलत बता रही है, और मैं 44 साल का हूँ, बिल्कुल फिट हूँ, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मशीन आप गलत बता रही है। वो कहने लगे मशीन आपकी गलत नहीं बता रही, आप झूठ बोल सकते हो, मशीन झूठ नहीं बोल सकती। और मैंने इसमें ज्वाइनिंग किया टीएनएस में, और ज्वाइनिंग करने के बाद फिर मैंने जो काम किया अपने गुरुजी अरविंद कुमार पांडे जी, विनोद कुमार चौहान जी, सुनील कुमार जी हमारे स्पॉन्सर अपलायंस थे, उनके सानिध्य में रह करके जो काम किया, जो सीखा, फिर आज तक मुड़ करके नहीं देखा। आज मुझे लगभग 8 साल हो चुके हैं, तो ये मेरी जर्नी रही है, और मैं बहुत ग्रेट सर लकी हूँ कि ग्रेट मैं ग्रेट आज ये बता पा रहा हूँ। थैंक यू। सर। आपने बताया कि कैसे कैसे आपने शुरुआत करी अपनी सेल्फ, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं और कैसे कैसे करके गए। एक बात नए लोग भी हमारे साथ में हैं, शायद वो भी जानना चाह रहे होंगे कि एक टीवी मैकेनिक और वो बीमारी को कैसे बता रहा था, तो उस पर कैसे आपको बिलीव हुआ।
प्रोडक्ट का काम करते हैं, और ट्यांस फिर आपको कैसे ये कब ट्यांस के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी मिली और ट्यांस में कैसे कैसे आपने आगे बढ़े? जी सर, 26 दिसंबर 2014 में जब मुझे पता लगा कि एक एक्यूलाइफ के नाम से ये एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि बीमारियों को डिटेक्ट करता है, फिर मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे। खास तौर से मैं पाकिस्तान के वीडियो देखता था कि उसमें मुझे भाषा समझ में आ जाती थी, मुझे बताया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और अच्छा, जब मैंने स्टार्ट किया 11 फरवरी 2015 में स्टार्ट किया, जब प्रोडक्ट को यूज़ किया, जो मेरे अंदर प्रॉब्लम थी उन्होंने बताया था कि कमर में दर्द रहता है, घुटने में दर्द रहता है, सर में दर्द रहता है, और 25 सालों से मेरे होता था, 25 सालों से लगातार मेरे दर्द सर में होता था। कभी कभी मैं भोपाल में जो है, जब मैं कार मैकेनिक का काम सीख रहा था और मेरे जब दर्द होता था तो मैं बिना बताए कार में लेट जाता था, और लगभग आधा घंटे घंटे लेटता था सीधा सिर करके, और सिर बिल्कुल खिड़की से चिपका के लगा लेता था। और जब आधा घंटे में नहीं दिखता था तो वहां पे वो मालिक थे, वो देख ढूंढते थे कि यार सफी भाई कहाँ चले गए, इनको देखो। और मैं जब मिलता था वहां पे आ जाता था। तो ये प्रॉब्लम मुझे पिछले 25 सालों से थी, 30 सालों से थी लगभग जो है, और ये पता नहीं लग पाता था क्या प्रॉब्लम है। और कभी मैं जब घर से बाहर निकलता था तो बुखार सा आ जाता था जो है, कुछ जगह कुछ लोग कहते थे आपका ब्लड बहुत हल्का है, कुछ लोग कहते थे आपको नजर लग जाती है। ले मैं आज तक नहीं समझ पाया, लेकिन टीएंस जो है, टीएंस पे आने के बाद आज मैं समझ पाया हूँ कि मेरी इम्यूनिटी भी अच्छी नहीं थी, वीक थी, और आज कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरीके की। तो मैं 2014 में जब मैं गया उनके साथ, सुनील कुमार जी के साथ कंपनी गया, वहां उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट लगाए, और डॉक्यूमेंट लगाने के बाद फिर मैं अपने घर आया और प्रोडक्ट को यूज किया। और मैंने 14-15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद मैंने 11 फरवरी 2015 में जो अपना सेंटर का उद्घाटन किया, और उसके बाद कभी आज तक मुड़ के नहीं देखा, सारी चीजें वहां से मिली, और 8 साल का समय पता नहीं लगा कहाँ निकल गया। ग्रेट सर, ग्रेट सर। एक चीज आपसे और मेरा पूछने का मन कर रहा है, और वो बात ये है सर कि जैसे आपने बताया कि हमने ट्यांस को शुरू किया और क्या है, हालांकि जब हम किसी और फील्ड पे होते हैं, किसी जॉब पे होते हैं, कोई कोई नॉर्मल बिजनेस कर रहा होता है, उससे पूछ लो कि आपकी सैलरी कितनी है, आपकी इनकम कितनी है, तो वो ऐसा डरता है कि इसको बता दे कहीं कुछ हो ना जाए। तो यहाँ पर सर, अदर जब हम ट्रेडिशन में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, तो वहां पे हर इंसान छुपाता है सब चीजों को, लेकिन जब हम जी बड़े लेवल पे देखते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियां शो अप कर देती हैं। तो ऐसे सर, आपने जब टेंस को शुरू किया और तब से लेकर आज तक आपके क्या क्या अचीवमेंट रहे, और इतने कम समय में आप गोल्ड लाइन बने, सो प्लीज शेयर करें आपकी कैसे कैसे आपके अचीवमेंट रहे और कैसे क्या क्या आपने यहाँ से पाया है। सर, जब मैं 2014 में 26 दिसंबर 2014 को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी और 11 फरवरी 2015 को मैंने अपने सेंटर का उद्घाटन किया था, मैंने कहा टीवी के मैकेनिक जब इतने बड़े बड़े डॉक्टरों को ट्रीटमेंट दे सकते हैं तो मैं भी सीख करके कर सकता हूँ। और सिर्फ 8 दिन का काम जो था, 11 फरवरी को स्टार्ट किया था, लगभग 18-20 तारीख को हमारा इतना बिजनेस हो गया था कि हिंदुस्तान में ये समझ लो कि टीएंस में आज तक किसी ने इतना बड़ा काम नहीं किया था। जब मुझे पता लगा, मुझे नहीं पता लगा कभी ये, लेकिन जब मार्च के महीने में 15 मार्च को मैं जब गया, मेरे पास फोन आया विनोद राठौर जी का कि सर आपने बहुत बढ़िया काम किया है, एक ऑफर चल रहा था कि 4 महीने में जो 6,40,000 का बिजनेस करेगा उसको जो है कंपनी बीसीएम और फ्रूट के गिफ्ट करेगी, सर आपको वो, आपने वो अचीव किया है, और आप जो है, मैंने कहा सर आप भेज दीजिए, आप मेरे एड्रेस पर, आपको एड्रेस है, इन्हें सर हम आपसे मिलना चाहते हैं। और जब मैं वहां पर गया अपने पुराने कोट पैंट पहन करके जो है, और जब वहां पहुंचा मैं जो है, तो उन्होंने, वो इधर बैठे थे टेबल पर, मैं उधर बैठा था, तो उन्होंने कहा कि सर एक एक टूर आया हुआ है चाइना का और वो आप कर सकते हो, आपका फरवरी का बिजनेस भी उसमें काउंट होगा और उसमें 200 पॉइंट बनाने हैं। मुझे नहीं पता था पॉइंट क्या होता है, मुझे नहीं पता था प्लान क्या होता है। उन्होंने कहा 200 पॉइंट बनाने हैं, मैंने सर पॉइंट क्या होता है, जब तक तो मैं उनसे कुछ पूछ पाता, तो उन्होंने पूछा सर आपका आईडी नंबर क्या है, तो मैंने अपना आईडी नंबर बताया 930-400-86, और उन्होंने जैसे कंप्यूटर डाला वो खड़े हो गए। तो मैंने सर क्या हो गया कि सर इसमें से 248 पॉइंट बता रहा है ये, तो मैंने सर मेरा टूर हो गया, आप तो 200 बता रहे थे, 200 पे चाइना टूर है, ये 248 पॉइंट बता ग्रेट रहा है, मेरा ग्रेट टूर सर, हो गया ग्रेट, क्या? कांग्रेचुलेशन, ग्रेट सर, ग्रेट तो फिर सर। उन्होंने एक ब्रोशर निकाला, एक पेपर निकाला, और पेपर निकाल करके उन्होंने देखा कि जो पिछले वाले हैं जिनका मार्च फरवरी का जुड़ेगा उनको 280 पॉइंट करना है, और नए वालों को जो मार्च से जुड़ेगा उनको 200 पॉइंट करना है। वो पेपर मेरे पास आज भी सुरक्षित है, आज भी टिक लगा हुआ है उनका, विनोद राठौर जी का आज भी एक्सीलेंट सर, सुरक्षित है एक्सीलेंट। मेरे पास। तो वहां से मुझे जो जाने का मौका मिला चाइना जो है,
जहां पर 20वीं एनिवर्सरी थी, 20वीं साल थी, सालगिरह थी, वहां पर 6468 बीएमडब्ल्यू, टीएस बीएमडब्ल्यू मैंने वहां सर पर एक बार फिर से बताएं कितनी BMW? 2800 वहां पर 6464 गाड़ियां थी, 6464 6,000? गाड़ियों के मेरे पास वीडियोज है, लाल कलर एक सर साइड रुकेंगे, लगा सर सर रुकेंगे एक बार, ये नंबर जो है ना शायद मेरे सुनने में धोखा हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेट हैं, 480 पार्टिसिपेट, 81, तो एक बार नंबर फिर से रिपीट कर रहे हैं, कितने BMW कार छह है? हजार चार सौ चौसठ गाड़ियां जो थी वहां पर, जो है रेड कलर अलग, काला कलर अलग, व्हाइट कलर अलग, जो सारा हमने वीडियोस बनाए थे वहां पर कंपनी में, वो वीडियोस मेरे पास हैं। जी 2860 मैंने फोटो बनाए थे और 488 या 493 वीडियोस बनाए थे पूरे, जो है कैमरे में भी और मोबाइल में भी जो है। और वहां तो से ये जो कंपनी ने मुझे, बांटी थी, जी सर, जी ये कंपनी ने बांटी थी। जी जी खड़ी हुई थी वहां पर जो है। और वहां पर आप देखोगे, आप जो है जो 20वीं सालगिरह का आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर वीडियो, आपको जो है जहाँ 30,000 लोगों का प्रोग्राम है, आप डालें टेंस 20 एनिवर्सरी का प्रोग्राम डालें आप जो है, तो उसमें आ जाएगा 30,000 लोग हैं, आधा आधा देशों से, लगभग 50 कंट्रियों के लोग हैं, 50 से 100 कंट्री के लोग वहां पर हैं, और 30,000 लोगों का वो प्रोग्राम है, चाइना का उसमें कोई नहीं, सब बाहर अदर कंट्रियों के हैं। और उसमें जो है वो जो टूर अचीवर्स आए हैं उसमें अलग अलग कंट्रीज से जो है, जिसमें हमारे तीन चार लोग इंडिया से भी थे, उनके फोटो, बड़े बड़े फोटो लगे हुए थे वहां पर, होर्डिंग लगे हुए थे, उनके फोटो भी हमने खींचे थे जो है। और वहां से जो मेरा विजन क्लियर हुआ है, हमारे आगे जापान वाले थे, पीछे हमारे जो है साउथ अफ्रीका था, बगल में पाकिस्तान था, और बहुत ग्रेट मेरा सर, ग्रेट। जो बैठने की सीट थी वो 8वें लाइन में थी और 29 नंबर सीट थी, तो मैं वहां से पर्ची लगी थी सीट में वो भी उखाड़ लाया था कि ये भी मैं दिखाने काम आया था। ताज समुंदर जाकर के मेरा फोटो वो लगा हुआ है, नाम लगा हुआ है TN सफी मोहम्मद, 29 नंबर सीट, तो वो भी मैं लेके आया था। तो ये सब चीजें अचीवमेंट हुई, इसी वजह से हुई कि ट्रेंस के प्रोडक्ट जो मैंने यूज किए वो मुझे कॉन्फिडेंस आया, और मैंने जो काम किया इसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा, आगे बाइक का फंड आया वो भी मैंने अचीव किया। पहले महीने की इनकम मेरी 2 लाख रुपए की थी टोटल लगा करके, पहले महीने दो की इनकम 2 लाख रुपए? लाख रुपए की पहले पहले महीने की इनकम थी, जो मैंने लगभग लगभग 15 दिन काम किया था, 11 फरवरी से लगा सकते हैं आप जो है। और 2 लाख रुपए का मैं बता दूं आपको जो है, लगभग अस्सी ग्रेट हजार का अचीवमेंट पेआउट सर, था, 80,000 का पेआउट था, जो मेरी और मेरी वाइफ की आईडी पे था, दोनों मिलाकर 80,000 का पेआउट था। और लगभग हमने, हमारा जो है 60,000 का, हमने जो रूट क्लियर और BCM अचीव किया था 60,000 का वो था, और 60,000 लगभग हमने जो है, 60-70 हजार हमारे जो है वो सेंटर से हमने अचीव किए थे, तो लगभग 2 लाख रुपए की मेरा जो अचीवमेंट था वहां पर जो है। और जो हमारा जो पैसा आता था सेंटर का, हम आधा आधा बांटते थे, आधा वो लेता था जो हमारा पार्टनर था, आधा हम, आधे में हम दो भाई थे जो है। और तो वहां से जो मुझे जो अर्निंग हुई, मैं काम की तलाश में था दिल्ली में आने के बाद, काम कुछ नहीं था यहाँ पर, प्रॉपर्टी में काम खराब हो गया था बहुत ज्यादा, हॉस्पिटल हमने चलाया था उसमें बहुत नुकसान हो गए थे, तो मैं तलाश था मुझे कि ऐसा कोई काम मिल जाए। और मैं आज तक के रिकॉर्ड में, फिर इसके बाद बाइक फंड आया, बुलेट का फंड आया, वो मैंने अचीव किया, इसके बाद जितने भी टूर आए वो सारे अचीव किए, 21वीं सालगिरह मनाई इंडोनेशिया में, 22वीं मनाई, 23वीं मनाई, 24वीं मनाई, 25वीं मनाई, मतलब लगातार टूर जाते रहे, लगातार हम लोग जाते रहे। और कॉन्फिडेंस जो आज लेवल इतना है कि कार भी मैंने अचीव की, 2018 में कार फंड अचीव किया, लंदन का टूर अचीव किया, और डबल टारगेट से अचीव किया, 46 लाख पर था लंदन टूर जो है, तो मेरा 92 लाख का अचीव यस हुआ, यस 92 लाख का टर्नओवर किया, वेरी गुड, एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट और सर। मेरे लगातार एक आज बात 60 साल अभी जो लगातार आज कर रहे हैं। सर, अभी हमारे साथ में बहुत सारे पार्टिसिपेट हैं, 480 81, लगातार सेम है संख्या। तो आपने जो 6400 कुछ जो कार अचीवर बताए थे, ये बार बार हमने रिपीट इसलिए किया कि लोग जो नए हैं हो सकता है कि एक बार में ना सुन पाए, स्पेशल जाए। तो सर ये BMW कंपनी ने बांटी, और ऐसा भी जब हम सिस्टम पे हैं इतने समय से, तो हमें भी है कि 10,000 से ज्यादा BMW कार फंड दे चुकी है, आज मोर देन बहुत ज्यादा पढ़ा होगा। तो सर ये इतना सब कुछ अचीवमेंट, और जैसे कि हम देख मटेरियल पा रहे हैं कि आप तो पढ़ लीजिए गोल्ड नाम। लाइन है, आप यहाँ पर गोल्ड लाइन है, और गोल्ड लाइन बनने पे सर आपने ऐसा क्या चीज थी जो आप यहाँ पर गोल्ड लाइन बने? और इसके साथ साथ एक बात हम पहले और पूछेंगे आपसे, जानना चाहेंगे कि इतने इस सफर में आपके, जहां तक आप पहुंचे हैं इस सफर में, सबसे अहम रोल और एक सबसे ऐसा मुख्य बिंदु कि जो आपको यहाँ पे लगातार बढ़ा रहा और गोल्ड लाइन तक पहुंचाया है, प्लीज सर शेयर करें। जी सर, जी सर, तो मैं बता दूं आपको कि जो मेरे को आगे बढ़ने की जो मेरे को प्रेरणा मिल रही है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे
मैंने अनुभव किए हैं, बहुत सारी किताब पढ़ी है, बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, बहुत सारे ट्रेनिंग सेशन किए हैं, तो वो कॉन्फिडेंस मेरे को आगे बढ़ा रहा है। और खास तौर से टीएंस के अंदर जो मेरा 20वीं सालगिरह का जो कन्वेंशन हुआ था, उसमें हमारे पांडे जी हमारे साथ में थे, हमारे मेंटोर थे, और मैंने जब मैं प्लेन में बैठा था तो उनके बहुत सारे लीडर्स उनके साथ में थे, तो वहां से मैंने विजन लिया कि आज पांडे सर के इतने सारे लोग जा रहे हैं दिल्ली से या अलग पूरे इंडिया से, तो मेरे भी पूरे प्लेन होना चाहिए जब मैं अपने टीम के साथ टूर पर हाँ जाऊँ। वहां से एक विजन लिया, और जब मैं पांडे सर के साथ जब पहली बार टूर पर गया तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो ऐसे मेंटर हैं कि मुझे पूरी दुनिया में मैं चिराग लेकर ढूंढता तब भी नहीं मिलता, मिलते जो है मेरे को जो है। सर, ग्रेट उनके एक्सीलेंट साथ रह एक्सीलेंट। करके जो हमने मस्ती की वहां पर स्विमिंग पूल में, हर जगह मतलब जो है उन्होंने इतना प्यार दिया, इतनी सारी हमारे जितने सारे हमारे हांगकांग में हम जितने सारे झूले झूले या जितनी सारी मस्ती की उतना उतना मजा आया। और बैठ के रात को 12 12 एक एक दो दो बजे तक बातचीत जो होती थी, मतलब ऐसा लगता था कि आज मुझे जो असली फादर जो है मेरे को मिले हैं, असली फादर जो मेरे को जन्म दिया था वो है, लेकिन आज जो फादर मिले हैं जो कि मुझे आगे लेकर के जाएंगे, तो वहां से मुझे फील हुआ। और उनकी बातों को मैंने आज तक मैंने माना और पूरा अप्लाई किया उनकी बातों को जो है, और आज तक कर रहा हूँ। और मैं खास तौर से एक बात और बताना चाहता हूँ मैं आपको जो है, इससे दो कंडीशन हो सकती है, दो बातें हो सकती हैं, दो मैसेज आ सकते हैं कि आज तक के रिकॉर्ड में जो मेरा विजन क्लियर था, मैं बता दूं आपको, जो मेरा विजन क्लियर था कि मेरे विजन को मेरा जो नजरिए को कोई भी रोक नहीं पाए कोई भी जो है, मैं बता दूं आपको जो है कि मुझे पिछले 18 साल का अनुभव है, तो मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, मैंने किसी भी अपलायन को आज तक उसमें ज्वाइन नहीं किया, आज तक रिकॉर्ड में। आज मैं अपने जो मेरा आज इंटरव्यू हो रहा है इसमें मैं आज ओपन कर रहा हूँ जो है कि आज तक के रिकॉर्ड में, अभी तक के रिकॉर्ड में, अभी तक के रिकॉर्ड में मैंने किसी भी अपलायन को जो है आज तक के रिकॉर्ड में उसमें ज्वाइन नहीं किया। कोई भी मेरे ग्रुप को देख सकता है, मेरी टीम सब जानती है कि आज तक के रिकॉर्ड में मैंने ना स्पॉन्सर अपलायन को, ना ऊपर अपलायन को, ना पांडे जी को भी जो है, क्योंकि मैंने एक सीडी में, एक ऑडियो में ये सुना था कि आपके ड्रीम को या आपके काम करने को कोई भी अपलाइन इडियट हो सकती है, कोई भी डाउनलाइन इडियट हो सकती है जो कि आपके आपके जो है सपनों को, आपके सपनों को दूर कर सकती है, या वो गलत सिस्टम को बता सकती है, या आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। तो मैंने आज तक के रिकॉर्ड में बता रहा हूँ मैं जो है कि मैंने अपने अपलाइन को आज तक के रिकॉर्ड में नहीं किया, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आज मतलब जो है कोई अपलाइन मेरे को बताए। और ऐसा हुआ बीच में कोरोना पैंडेमिक में कि मेरे बहुत सारे अपलायन चले गए, दूसरे सिस्टम में चले गए, मेरे स्पॉन्सर अपलायन चले गए और उन्होंने डिस्टर्ब किया, मेरी टीम को डिस्टर्ब किया। अगर मैं उनको ज्वाइन रखता तो वो मेरे ग्रुप के सारे नंबर जो है लेते और उनसे बातचीत करते, और ऐसा किया उन्होंने जो है, उनको नहीं करना चाहिए था कि अगर उनकी टीम थी, उन्होंने मुझे जोड़ा था एक सपने के साथ कि सफी भाई काम करेंगे तो मेरा एम्पावर बढ़ेगा, मेरा लेवल बढ़ेगा, और इसके बाद मेरा गोल्ड रन हुआ, उनका ब्रॉन्ज रन हुआ, तो उन्होंने जो है डिस्टर्ब एक्सेलेंट सर, किया। एक्सेलेंट। तो एक दो चीजें होती हैं इससे जो है, एक तो ये होता है कि कोई आदमी ये भी कह सकता है कि सफी भाई को इतना ईगो है कि पांडे जी को भी उन्होंने अभी तक ग्रुप नहीं जोड़ा, ये समझ सकते हैं लोग जो है। तो मैं इसके दो मतलब समझता हूँ, एक मतलब तो ये हुआ कि मेरे मेरे सपने को कोई भी मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, मुझे एचडी जाना है तो जाना है, जाना है तो जाना है। मैं अभी तक ये समझता था कि पांडे जी 4 5 करोड़ रुपए लेकर के दूसरी कंपनी में जा सकते हैं, है कि नहीं, मेरी टीम को खराब कर सकते हैं, लेकिन आज वो डायरेक्टर हैं। आज मैं समझ पाया हूँ, जब पहली बार पांडे सर को मेरे मुझे मैंने सुना कि पांडे सर ने 70 लाख रुपए में एक ट्रेन बुक की है और इतना पैसा वो खर्च कर रहे हैं, और मैं उनको गुरु मानता हूँ शुरू से, और उनके उनके जो मेरे को आदेश रहते हैं वो पूरा करता हूँ, लेकिन मुझे आज ये लग रहा है और मैं जब से ही समझ चुका हूँ कि पांडे जी एक ऐसे व्यक्ति हिंदुस्तान के अंदर कि उनका जब उन्होंने जब वहाँ खड़े हुए थे, हमारे साथ गए थे 2020 में और वहाँ फोटो खिंचवाए थे, तो उन्होंने ये ड्रीम बनाया था शुरू से ही कि मेरा स्टैचू यहाँ पर लगना है, और आज मेरे को कन्फर्म हो गया है कि उनका स्टैचू लगना है, तो मैं अब उनको अपने ग्रुप में आज ही मैं अपने ग्रुप में उनको डालूंगा, आज ही अपने ग्रुप में डालूंगा अभी मीटिंग के बाद, जो बता दूंगा आपको जो है। बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत बधाई। अब तालियां हो जाए सर, उसका तालियां। दूसरा आपने रीजन भी अब रिस्पॉन्स दूसरा अब ग्रेट इसका कर दूसरा पहलू समझ लो, उसका दूसरा दिया। पहलू समझ लो अब जो है, उसका दूसरा पहलू क्या है, दूसरा पहलू उसका ये है कि पांडे सर जब भी कहीं पर आते हैं, मिलते हैं, लोग मोटिवेट होते हैं, जुड़ते हैं और अपना काम करते हैं, कुछ लोग 6 स्टार हो जाते हैं, कुछ लोग 7 स्टार हो जाते हैं, कुछ लोग नए भी होते हैं, वो छोटा मोटा एक ग्रुप बनाते हैं, 10 लोगों का, 20 लोगों का, 50 लोगों का ग्रुप बनाते हैं और वो अपने पांडे जी को ग्रुप में जोड़ लेते हैं, तो मैं सभी लीडर से ये पूछना चाहता हूँ कि पांडे जी का 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख लोगों का टीम है, तो कितने लोगों का कूड़ा वो झेलेंगे,
कितने लोगों की गुड मॉर्निंग झेलेंगे, कितने कितने लोगों का वो मैसेज झेलेंगे। तो मैंने आज तक, ये दोनों पहलू हैं, दोनों पहलू हैं, आज तक मैंने पांडे जी को कूड़ा नहीं फेंका कभी भी आज तक, कि मैं अपने मेरे ग्रुप में कोई भी मैसेज डाल देता है तो वो भी पांडे जी पहुंचे, वो भी उस मैसेज को देखें। मैं चाहता हूं कि उनके पास मैं कूड़ा ना फेंकूं, उनके पास जो वही मैसेज जाए कि जिससे वो खुश हों कि मेरी टीम आज वाकई में बहुत शानदार है और वो मेरे साथ एसडी बनेगी, ऐसी टीम सभी भाई की है। तो दोनों रीजन है, दोनों रीजन है, देखो, दोनों रीजन है, दोनों रीजन को मैं आप अच्छा समझा। सर, यहाँ पर एक बात तो स्पष्ट हो गई कि आपने काफी इसके पहले भी कुछ डाई सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां करी, और उसमें से कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, दूध को जला मठा फूक फूक के पीता, तो एक लंबा समय लगाया आपने ये समझने के लिए, और गुरु चुना जो मजबूत, चुन तो बहुत पहले लिया था लेकिन आज मोहर लगा दी, सो ग्रेट सर। और इसके साथ साथ सर एक क्वेश्चन और आपसे हम लेंगे, और उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन करके सेशन को क्लोज करेंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग अर्थात डायरेक्ट सेलिंग अर्थात मल्टी लेवल मार्केटिंग को लेकर के सर आपके क्या विचार हैं, और लोगों को लिए, यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे इस पे, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर? जी सर, जी सर, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, सर डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के मैंने बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे यूट्यूब पर, बहुत सारे मीटिंग्स के अंदर मैंने सुना है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं कि जिनकी वाइफ साइंटिस्ट हैं और वो खुद एक ऑडिटर रहे, उनके पास जो है जोनल हेड रहे, वो दो दो तीन तीन राज्यों के जो है, और उनकी वाइफ साइंटिस्ट हैं और उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को चुना। ऐसे लोग भी हैं जो कि तीन तीन राज्यों के जोनल हेड रहे और स्टेट बैंक इंडिया के वो जो है बैंक के मैनेजर रहे, हेड ब्रांच के जो है, उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को चुना, अपनी बैंक की नौकरी को छोड़ दिया। और ऐसे लोगों को भी मैंने सुना है कि जो कि लंदन में बैंक मैनेजर रहे, लेडी हैं वो जो है, और उन्होंने अपनी लंदन में बैंक मैनेजर की नौकरी को छोड़ा, वहां से रिजाइन दिया और इंडिया आई, इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग को शुरू किया और आज बहुत अच्छे मुकाम पर है। तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है कि यहाँ पर जो है जीरो से हीरो बना जा सकता है, और जो हीरो हैं वो भी कर रहे हैं। तो मुझे ये बहुत प्रभावित करती है चीजें जो है, तो जो लोग हीरो हैं, जिनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है, जिनके पास लाखों रुपए महीने की इनकम पहले से, वो भी डायरेक्ट सेलिंग को चुन रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं, तो हम कामयाब क्यों नहीं हो सकते? तो मेरा विजन एकदम क्लियर है, और आप भी अपना विजन क्लियर करें, जितने भी लीडर्स हैं यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो उनको भी अपना विजन क्लियर कर लेना चाहिए। एक आखिरी पॉइंट है, एक आखिरी सवाल है सर, और इस सवाल के बाद बढ़ेंगे, और आपके गुरुजी, हम सब के गुरुजी से को भी यहाँ पर हम रिव्यू पे लेके सबसे पहले उनको लेंगे। तो लास्ट सवाल सर मेरा आपसे ये है कि आप इतना सब कुछ आपने अचीव किया, क्वार्टियंस को लेकर भी इतना पॉजिटिव कॉन्फिडेंस है प्रोडक्ट को लेकर के, और साथ ही साथ इंडस्ट्री को लेकर के आपने भी बात बताई, और एक महान गुरु को लेकर भी आपने बात बताया, अपने बारे में आपने बताया कहाँ से लाइफ शुरू किया। आज अभी क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे जितने भी पार्टिसिपेट हैं, और आप गोल्ड लाइन बने उसके पीछे क्या पर्पस था, और आप डायरेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं सर, प्लीज। जी सर, जी सर, गोल्ड लाइन का लेवल एक ऐसा लेवल होता है कि बहुत सारे लोग जानते भी हैं, बहुत सारे नहीं जानते। एक्टिव गोल्ड लाइन, मैं कहता हूँ एक्टिव गोल्ड लाइन, एक्टिव का मतलब होता है जो SSS सिस्टम को फॉलो कर रहा है, जो अपने मेंटर को फॉलो कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, लगातार डायरेक्टर की तरफ जा रहा है या स्टार डायरेक्टर के लिए काम कर रहा है। तो मैं अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में कहता हूँ, सभी लेवल का मैं हिंदी भाषा बता दूँ गोल्ड लाइन से, कि गोल्ड लाइन का मतलब ये होता है कि एक्टिव गोल्ड लाइन का, कि 50 लाख या 1 करोड़ का कोई उसे कोई काम करना हो तो अपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफर कर पाए, अपने बैंक अकाउंट से 50 लाख या 1 करोड़ रुपए वो ट्रांसफर कर पाए, इसका सीधी सीधी भाषा में ये है। अगर स्टार गोल्ड लाइन है और वो अपने अकाउंट से 1 करोड़ से लेकर के 2 करोड़ ट्रांसफर कर पाए अपने अकाउंट से, और अगर डायरेक्टर है तो 2 से 5 करोड़ रुपए वो अपने अकाउंट से ट्रांसफर कर पाए, मतलब नंबर एक की मनी, नंबर एक की मनी। क्योंकि हम जो भी प्रोडक्ट लेकर के आते हैं, चाहे साबुन लेकर के आए, चाहे शैम्पू शैम्पू लेकर गए, हर प्रोडक्ट के अंदर GST होता है, हर प्रोडक्ट के अंदर नंबर एक की क्वालिटी होती है, और हर प्रोडक्ट पे हम जो है गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ योगदान दे रहे हैं, अपने पेआउट हमारा बनता है, इसके बाद ही हमारा उनको जो है TDS जाता है, गवर्नमेंट को हम लोग टैक्स देते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात मेरे को लगी कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हम लोग सब नंबर एक ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। मैं कसम से बता रहा हूँ कि मैं जब 8 जुलाई थी, क्या था, 8 नवंबर था जो नोटबंदी हुई थी, हम लोग चाइना में थे और व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे, 8 नवंबर 2016, 8 नवंबर को हम चाइना में थे, हमारा गोल्डन शीट्स का प्रोग्राम था, और जब हम रात को बैठ करके मैसेज देख रहे थे व्हाट्सएप पर कि नोट बंद हो गए, 500 का नोट बंद हो गया, 2000 का नोट बंद हो गया, तो हमें यह सब मजाक लग रहा था, ये सब मजाक लग रहा था।
क्योंकि मैं 500-500 के नोट ले गया था, करीब करीब 1 लाख रुपए में ले गया था, 50,000 मैंने छोटे भाई के, 50,000 में ले गया था। तो वहां से जब लौट करके आए, जब यहाँ पर उतरे, यहाँ पर जो है तो नोट काम नहीं कर रहे थे, और शेख अबूजा जी हमारे साथ में थे, उन्होंने गाड़ी की ओला गाड़ी की उन्होंने ऑनलाइन, और हम यहाँ तक आए घर तक जो है, तो हमें पता लगा हमारे पास कोई नंबर तो था ही नहीं, हमें कोई टेंशन ही नहीं था बिल्कुल किसी तरीके का जो है, और तमाम लोगों के पैसे हमने जो है लिए, तो भाई आपके पास 1,50,000 हमें दे दो, हम आपको आपके पैसे जो भी है वो दे देंगे आपको जो है, और हमने किया भी कुछ लोगों का जो है, तो नंबर एक की रोकड़ आती है यहाँ पर, कोई टेंशन नहीं किसी तरीके की। और आज मैं सफी मोहम्मद, अगर किसी व्यक्ति को 2-10 लाख से 20 लाख के 30 लाख रुपए का नंबर एक का मनी चाहिए, तो मुझे फोन करता है कि सफी भाई के पास नंबर एक का पैसा मिलेगा, वो नंबर एक का दे सकते हैं, और मैं मदद भी करता हूँ ऐसे लोगों की जो है, जो जिनको मैं, तो यही चीज है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये सब चीजें होती है कि आप एक गोल्ड लाइन बने और आप जो है एक ऐसी लाइफस्टाइल जिए कि जिससे कि बाकी लोग भी जी रहे हैं। थैंक यू सर। वेलकम सर, एक बहुत ही शानदार आज आपने बताया कि कैसे कैसे शुरुआत करी लाइफ में और क्या क्या अचीवमेंट किए। और सबसे बड़ी बात तो सर, मेरे जो हिट करी थी, हमने कार के बारे में आपसे बार बार पूछा था, तो आपकी बातों से एक बात तो साफ हो गई है कि विदेश एक बार घूमने, जो कि टैक्स फ्री में दे रहा है, जैसे प्रेजेंट में थाईलैंड टूर चल रहा है, तो हम सबको जाना चाहिए क्योंकि विजन क्लियर होता है। तो ऐसे कितने लोग हमारे साथ हैं वो मैसेज करें जो थाईलैंड टूर जाना चाहते हैं, वो फटाफट मैसेज करें और मैसेज करें कि आज से इस सेशन से एक प्रॉपर हम दृढ़ संकल्प के साथ में बिजनेस करेंगे और टूर अचीव करेंगे, और इस कमिटमेंट के साथ में कि करना है सो करना है और इससे कम बर्दाश्त नहीं, जाना जाना। जैसे सर आपने बताया, वहां बहुत सारे लोग थे और प्लेन में सारे के सारे लोग हम लोग मौजूद थे, तो इस बार भी पूरे के पूरे ट्रेन में हम सब लोग होंगे, ऐसा ये प्लेन फैमिली तरीके होता है, बुक करके जा रहे हैं। सो बहुत बहुत थैंक्सफुल है हम आपके सभी सर, आप आए और आपने एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा अपना इंट्रोडक्शन दे करके बिजनेस की खूबसूरती को बताया और क्या विजन है आपने वो बताया, और साथ ही साथ आपने बताया कि हमारे जो मेंटर हैं ट्रिपल एस के जन्मदाता मिस्टर अरविंद कुमार पांडे सर, अपकमिंग HD ऑनरेरी डायरेक्टर, जो पुतला बनाने वाले हैं और हम सबके बीच में मौजूद हैं, ये बहुत अच्छी बात और खुशी की बात है। सो यहाँ पर ज्यादा समय ना लेते हुए हम सर को इनवाइट करेंगे, अरविंद कुमार पांडे सर को, और उनके द्वारा आज जानेंगे कि एक इतने पावरफुल लीडर से कैसे बनाए, और ये भी कि क्या आज थाईलैंड टूर के लिए कि सर की क्या सोच है और किस तरीके से आज का जो सेशन हुआ, सो उसके लिए हम सब लोग भारतीय सभ्यता के अनुसार जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे मिस्टर अरविंद कुमार पांडे सर। सो नाउ प्लीज वेलकम जूम पैनल। ऑल म्यूट कर दिया, तो पांडे सर एक बार अगेन अनम्यूट कर लीजिएगा। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, गुड वेलकम मॉर्निंग, पांडे सर। Thank you good so morning much and sir, very good good morning, morning. I am all of very morning, very excited sir. Good morning, good morning, good morning and welcome Guruji, very welcome. good morning all of you. बहुत thank you sir. आज जबरदस्त सेशन, पहले तो गुलवेद जी का सेशन बहुत ही अच्छा था, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और बहुत कुछ सीखने को मिला। नेक्स्ट जो आज आपने इंटरव्यू लिया सफी सर का, ये भी अपने आप में मेरे को बहुत अच्छा लगा। सफी सर की पूरी कहानी आपने आधे घंटे में इनसे पूछ लिया, कैसे शुरुआत की है, कैसे विश्वास जगा। तो दोस्तों, टियान से एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो भी जाता है वहां उसका विश्वास अपने आप जग जाता है। आज मैं भी 17 साल से जो लगा हूं, केवल एक बार चाइना जा करके वहां एक सपना देखा और उस सपने की वजह से लगा रहा, और आज ईश्वर ने हमारे उस सपने के बिल्कुल करीब ला के हमें खड़ा कर दिया है। तो हमारी बेस्ट विशेस है आप सभी को कि आप सारे लोग जो भी सपना देखें टियांस ऐसे प्लेटफॉर्म में, वो 100% पूरा होगा। दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती है, बस केवल तब तक टिके रहना है जब तक आपका सपना पूरा ना हो जाए। जरा भी अगर आप कमजोर हुए टिकने में, तो आप सपने को छोड़ के किनारे हो जाएंगे। इसलिए सभी को मैं यही कहता हूं कि सपने देखो और उसे जिंदा रखो। बहुत अच्छा, आज सफी भाई ने सपना देखा और आज इतने दिन से जिंदा हैं, ये बहुत बड़ी बात है, और सपने इनके जिंदा हैं।
इसी वजह से आज 8 साल से सफी भाई टिके हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद कि सफी भाई को अब जाके मेरे ऊपर भी विश्वास आ गया है। और मैं तो सभी को कहता हूँ कि मैं तो सभी को कहता हूँ कि भैया मैं तो टीएमसी के लिए बना हूँ। हमें दुनिया कोई चीज ना दिखाई पड़ती, ना सुनाई पड़ती, ना समझ में आती है। और ऐसे ही लोग टीएमसी के हीरो बनेंगे, जैसे सफी भाई हैं, गुलबेज जी हैं और तमाम हमारे कोर लीडर्स हैं। ये सभी भविष्य के टीएमसी के हीरो हैं और बहुत बड़ा अंपायर, बहुत बड़ा व्यापार खड़ा करने वाले हैं। तो बहुत बहुत बेस्ट विशेष सफी भाई आपको और आपकी टीम को, गुलवेद जी आपको और आपकी पूरी टीम को, भाई बेस्ट थैंक यू विशेष। सर, गो एसडी, थैंक यू सून। और थाईलैंड का पूरे इंडिया से कम 200 से ज्यादा लोग हमारी टीम से जा रहे हैं। बहुत बम्पर बिजनेस हो रहा है ऑल थैंक ओवर इंडिया। जबरदस्त क्लोजिंग चल रही है इस महीने, बिल्कुल हलचल मची हुई है पूरे इंडिया के अंदर। तो भयंकर बिजनेस हो रहा है और सारे लोग प्रयास करें, जितने लोग पैनल पे जुड़े हैं एक प्रयास जरूर करें कि अपनी मंथली जरूर डालें, क्योंकि जो लोग अचीव भी कर गए और मंथली नहीं पड़ा रहेगा तो उनका टूर क्वालिफाई नहीं होगा। इसलिए सभी से महीने के लास्ट होते होते अपनी अपनी मंथली जरूर डाल लें, 20 PV, 50 PV एज पर रैंक, जिसकी वजह से आपका टूर मिस ना करे, ये मैं बार बार कहता हूँ। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी 400 से ज्यादा जुड़े लोगों को, और प्लस लीडर ऑफ द डे कुलवेश जी एंड सफी मोहम्मद सर, विश यू ऑल द बेस्ट। गो एस जी। थैंक थैंक यू यू सर, सर, थैंक थैंक यू यू, सर। थैंक यू सर। आई मैसेज एम भेजिए बॉर्न आपने फॉर HD सर, आई एम बॉर्न फॉर HD। गुरु जी। थैंक यू सो मच मैसेज, सर, थैंक यू सो मच। गुरु जी आई एम मैसेज, बॉर्न फॉर, गुरु जी मैसेज यस कर आई दिया एम आपको, बॉर्न फॉर HD सर। ओके मैसेज कर ओके दिया ओके। आपको, आपको मैसेज कर दिया है ग्रुप के मैं लिए। अभी रिसीव कर रहा, अभी अभी एक्सेप्ट कर रहा हूँ आपका ज्वाइन ग्रुप। कंग्रेचुलेशन बहुत बहुत थैंक यू, बहुत सर, बहुत थैंक यू, थैंक कंग्रेचुलेशन। सो थैंक यू। यू सो मच सर। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और हमारे बीच में मौजूद है अपकमिंग डायरेक्टर, अपकमिंग डायरेक्टर साहब दिल्ली से मौजूद हैं, अजय कुमार कुशवाहा सर। हम बहुत एक्साइटेड होते हैं क्योंकि वो उनका नाम ही, जब भी हम उनको बुलाते हैं तो नाम के साथ साथ एक चीज आती है, मोटिवेशन की मशीन, तो नाम निकल के आता है अजय कुमार कुशवाहा सर। तो सभी लोग एक बार फिर से अगेन भारतीय संहिता के अनुसार जोरदार तालियों से उनका वार्म वेलकम करेंगे। सुनाओ प्लीज वेलकम ऑन द जूम पैनल, अजय वेलकम कुमार सर, कुशवाहा अशोक लाल सर, सर, गुड इंस्ट्रूमेंटल सेकंड मॉर्निंग, डायरेक्टर। गुड वेलकम मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग सर, अजय सर एक बार अनम्यूट कर लीजिए फिर से। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, थैंक वेलकम, यू गुड आप मॉर्निंग सर, कैसे गुड हो? मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग टू यू सर। मॉर्निंग थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, सुपर, जो भी हम तारीफ करें कम है। जिसकी तलाश थी, एक गीत आता है कि तेरी तलाश थी मुझे, तू मिल गई, तू मिल गई। तो आज इस तरह के सेशन की बहुत नीड थी हम लोगों को, एक कुछ चेंजिंग, कुछ नई चीजें आना। गुरेज आनंद जी प्रयास किए हैं काफी, बहुत अच्छे तरीका से चीजों को लेकर आने के लिए। गुरेज आनंद जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और सारी टीम को, आप पूरे जूम पैनल को बहान के रखते हैं। नेटवर्क में जितने लोग आ जाते हैं वो पूरे जूम से जाते नहीं है, मैं देखा प्लस प्लस होते गए, 8 बजे तक तो प्लस प्लस होते गए, कोई हटता नहीं है। ये सब कुछ आपकी ताकत है। और आज के हमारे हीरो सफी भैया ने इतनी बढ़िया, देखो इनके दिल के जो हमने आवाज सुना है कि थैंक यू सर, अंदर दिल से टियांसी करते हैं, होता है ना, कि जैसे पांडे जी ने बोला, हम सबके महागुरु, हम सबके भगवान, कि हम टियांसी के लिए ही बने हैं। तो मैंने सफी भाई के दिल से सुना है, इनके अंदर से जो आवाज आता है वो सिर्फ ट्यांसी होता है ना, कि एक आपके ब्लड को यदि हम फिल्टर करते हैं तो उसमें जो कण आते हैं, कणों के अंदर से एक आवाज आता है, ट्यांसी ट्यांसी ट्यांसी। वैसे ही सफी भाई को मैंने देखा, दिल से ट्यांसी किए जब से आए तब से, ठीक है। इतना जबरदस्त इनका फेथ लेवल, फर्स्ट डे से प्रोडक्ट पर इनका आया, जो मशीन में है, इकुम लाइफ और VCM हेड केयर। दोस्तों मैं तो इनसे सीखा, मैं अभी तक इनसे कहता हूं मुझे भी ट्रेनिंग दे दो, एक दो टाइम सिखा दो। मुझे आज तक परफेक्शन नहीं आई। उस मशीन के दम पर स्टार्टिंग की साल, 2 साल, 3 साल शायद मैं ही सबके साथ क्लोजिंग करता था, तो इनकी चलता था कि हम 100, 50, 200, 500, 2, 4, 10 हजार में क्लोजिंग की आड़ी लगाएंगे ही नहीं। जो भी आड़ी लगती थी सीधा उस समय 75,000 से 80,000 के बीच की,
उस समय फोर स्टार होता था 78,000 में, तो सीधा फोर स्टार से भी सारी ज्वाइनिंग की दखती थी। अगर इनके नेटवर्क में 100 आदमी है, सारे फोर स्टार 78,000 से, ठीक है। तो इनकी दिल की आवाज शुरू से ही आई है टियांसी टियांसी, और जिसकी देन है इनके साथ में हमारे साथ भी। बहुत लोग आए, अच्छे बुरे तेज तरार होशियार चलाक पढ़े लिखे कम पढ़े लिखे, इधर आए इधर गए, इधर आए इधर गए, कोई फर्क न पड़ा। सफी भाई की आज भी टियांसी जिंदाबाद है, आज भी लाखों रुपए कमा रहे हैं, सारी विदेश से तलाए अचीव कर रहे हैं, कार पर कार अचीव करते जा रहे हैं, अचीवमेंट पर अचीवमेंट बनती जा रही है, कैरियर बनती जा रही है। अब जो भटक गए आज वो रोड पर भटक रहे, कोई छोरा भटोरा बेच रहा है, कोई चौमिन बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है। तो टियांसी के ये जलवा है सर। मैं आपको एक खास बात बताऊं, आपको सरप्राइज होगा, मैंने कभी सपना तो छोड़ो कभी सोचा भी नहीं था ऐसा हो सकता है। अभी हमने पीछे, आप सबको पता होगा कि पुणे 3 करोड़ का हमने द्वारका मोड़ पर हमने अभी घर लिया है, एक तरह से बिरला है, 2 पौने 200 गज की द्वारका मोड़ मेट्रो के 50 मीटर दूरी पे, ठीक है, 2 साइड ओपन, 2.5 मंजिल बना बनाया। और पिछले 10 दिन से मेरा उसमें मिस्त्री लगे हैं, जहाँ थोड़ा बहुत कुछ इनोग्रेशन के या मेंटेनेंस होता है उसके लिए लेबर लगे हैं, पेंटर लगे हैं, 3 4 5 पेंटर लगे हैं, कारपेंटर लगे हैं, ऊपर से प्लम्बर लगे हैं, एक और होते हैं वो जो काम करते हैं, इलेक्ट्रिशियन लगे हैं। दोस्तों मैं जिंदगी में कभी एक ईंटा तक नहीं खरीदा था, मैं 5 भाइयों में सबसे छोटा सबसे प्यारा, घर में कभी एक ईंटा तक नहीं खरीदा था, और आज ये काम धर्म से करा रहा हूं, माने इस काम को कराने में मुझे मजा आ रहा है। जानते हो क्यों? लेबर लगी है, लोग जाकर मुलाई करते हैं, भैया 4 समय आ जा, 5 समय आ जा, 6 समय आ जा, हमको तो भाव देके आते हैं, कितने भाव, चल भैया काम कर, तुम्हें कितना चाहिए, तुम्हारा जितना बनता है, मैं आपको 4 दिखाऊं। 8 दिन लेबर हमारे पास मिस्त्री काम किए थे, और उनसे पूछा भैया कितना पैसा बनता है, तो कहे भैया 8 दिन हो गया, देखो मैंने उनको बना करके ऑफिस में बैठा करके, इधर देखो ये बिस्किट, देखो बिस्किट, चाय भी पिलाया लेबर को, यस यस दिख रहा है लेबर को, मैंने बिस्किट खिलाया, टीपोरी के चाय पिलाया, और हाथ में कैश दिया, और साथ में निमंत्रण भी दिया। अब देखो साथ में निमंत्रण दिया कि 30 तारीख के डेट में मैं एंट्री कर रहा हूँ। उस दिन हमने वो रखा है जो खिलाते है ना, क्या बोलते हैं उसको, भंडारा, भंडारा टाइप में दिन भर चलेगा, और उसी दिन हम एंट्री करेंगे, फ्रेंचाइजी भी उसी दिन हम स्टार्ट कर देंगे वहां पे, और लगभग 50% जब काम हो चुका है। ये तो काम हो ही रहा है, मैंने डेली 10,000 20,000 रुपये जा रहा है खर्चा। अभी मैंने परसों एक नया फ्लैट बुक किया जयपुर में, एक नया फ्लैट बुक किया अजमेर रोड पर, हमने 26 लाख की अभी 2 BHK लंचिंग थी 20 तारीख की, तो मैंने नया बुक किया 26 लाख की फ्लैट, अभी उसकी लंचिंग हुई थी, हमने उसी दिन बुक किया, और जबकि आजकल उसका रेट 5-7 लाख बढ़ गया, ठीक है। तो ये सब कुछ जो संभव हुआ है सिर्फ और सिर्फ टियांसी से। मैं पिछले 10 दिन में कहीं बाहर नहीं जैसा, अभी सिवान में प्रोग्राम था, पांडे जी अकेले गए वहां पूरी 6 घंटा 8 घंटा खड़ा होकर मेहनत किए, हमारे ससुराल में प्रोग्राम था और भी जगह, बट हम नहीं जा पाए इनकी वजह से। बट अकाउंट में पेमेंट देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे, ये देखो मैं आपको बिजनेस दिखा रहा हूँ आज के डेट में, yes, yes, बिजनेस yes. देखो, मैं एक डरा की जब घर में सोया हूँ अपना काम करा रहा हूँ, ये पेआउट देखो आप कैसे बोनस बनता है और कैसे बिजनेस जा रहा है। आप ये सब कुछ मैंने आज जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ और सिर्फ टियांसी की वजह से। मैं पांडे जी से सुबह शायद आज बात कर, हमें गुरु जी अगर आपने टियांसी मुझे नहीं दी होती तो क्या होता मेरा, देखो जी आप देख लो कितना TNP भी जा चुका है, हमारा बिजनेस गिरता है 27 और 28, मेन बिजनेस 2800 गिरता है, 27 को थोड़ा बहुत गिरता है, थोड़ा बहुत क्या मान के चलिए 30% बिजनेस गिरता है 27 को, और 80% बिजनेस गिरता है हमारा 28 तारीख को, अभी सीधे $2 लाख पार करेगा, जबकि मैं एक काम न कर पा रहा हूँ, बिजी हूँ, पूरे पे आउट भी अभी मैं देख रहा था
ये जो विकिरी बनता है, किधर बनता है विकिरी जो बनता है, यहाँ से आपको समझ दिख जाएगा, विकिरी जो बनता है अभी $1,000 के आसपास, 1,200 दिखा रहा ऊपर, देखो $1,200 दिखा दिया, ठीक है, अभी अपडेट होगा जब रात तक तो वो 1,200-1,500 चला जाएगा, 1,500 से 1,500 रुपया तो बन गया। अभी पूरी महीना बाकी है, तो कितना जाएगा पे आउट, जब ये सीधे 3 गुना 4 गुना बढ़ेगा। अभी अगर मैं ट्रांसी नहीं करता तो सिर्फ एक ही प्रश्न है हमारे पास, अगर मैं अपने आप को अफसर बन के बैठा रहता, वही नौकरी करते रहता तो क्या होता, क्या ये जिंदगी में कुछ कर पाता, मैं कुछ हो पाता हमसे? 20 साल नौकरी करने के बाद भी किराए का मकान पर था दोस्त, रहने के जगह नहीं, चलने के गाड़ी नहीं, कर्ज में डूबा हुआ दोस्त, सब कुछ ट्यांसी ने जिंदगी बदला, और ट्यांसी के वजह से मैं वो सब लाइफ जी पा रहा हूँ और इतना एंजॉयमेंट कर पा रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा लाइफ। जब एक बेटी की शादी करती है ना, परेशान हो जाती है, एक घर खरीदती है बनाती है तो परेशान हो जाती है दोस्तों, मुझे तो मजा आ रहा है कि दिन भर मुझे पैसा खर्च करने को मिल रहा है, दिन भर खर्च करने को मिलता है। कोई पेंटर कहता है सर ये दानिए दे पैसा, कोई इलेक्ट्रिशियन कहता है ये दानिए तू अपने पसंद के दा पैसा बता दे कितना देनी है, सिर्फ और सिर्फ ट्यांसी की वजह से। तो मैं आप सबको एक ही मैसेज दूंगा, जिस तरह से पिछले लगभग 8-9 साल से हमारे सभी भैया लगे हैं सिर्फ और सिर्फ ट्यांसी, पांडे लगे हैं पिछले 16 साल से सिर्फ और सिर्फ ट्यांसी, हमारे साथ में विवेक आलम जी है, डॉक्टर एस सी प्रसाद जी, डॉक्टर अशोक बाबू शर्मा जी, बीबी सिंह जी हमारे हैं, हमारे विजय सिंह जी, बहुत सारे लीडर्स हैं जिनका नाम नहीं ले सकते हैं, हमारे अरविंद सिंह यादव जी हैं, अरविंद सिंह कुशवाहा जी हमारे, और बहुत सारे लीडर हैं, गंगाराम जी हैं, हम सबका नाम नहीं ले पाएंगे, हमारे कामनी मैम है, पिछले 5-10 साल से लगे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ ट्यांसी ट्यांसी ट्यांसी, इसके अलावा कुछ जपते ही नहीं है। जिसकी देन है कि बेटी के एक शादी किया, दूसरी भी कर डाला उसी साल में, एग्जाम्पल हमारे पांडे जी हैं, जिस साल बेटा के शादी किए कई लाखों रुपए लगा के उसी साल प्लॉट भी खरीद डाले थे। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, आप सबको वेलकम सर, वेलकम, एक बहुत ही शानदार धमाकेदार, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, वेलकम, एक धमाकेदार आपका रिव्यू, ग्रेट। और जैसा हम कहते हैं कि मोटिवेशन की मशीन, तो वाकई में सर आप वो हैं। तो हमारे बीच में गोल्ड लाइन लीडर्स भी हैं, सिल्वर लाइन लीडर भी हैं और ब्रॉन्ज लाइन लीडर भी, उनका रिव्यू लेंगे और जल्द से जल्द आगे बढ़ेंगे। तो हमारे बीच में हम देख पा रहे हैं एक गोल्ड लाइन स्टार गोल्ड लाइन लीडर मौजूद है हमारे साथ में, और सर की ही, अजय सर की टीम से है, डॉक्टर एस वी प्रसाद सर बिहार से हैं। सो उनको एक बार जोरदार तालियों से हम इन्वाइट करेंगे यहाँ पे। सो नाउ प्लीज वेलकम ऑन द जूम पैनल एस वी प्रसाद सर, डॉक्टर एस वी प्रसाद सर, वेलकम सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम, वेरी गुड, थैंक यू सर, आपके शेर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड, थैंक्स। आज 277 पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, तो सभी को मेरे तरफ से, पूरे बिहार के तरफ से वेरी वेरी थैंक्स। और सबसे पहले मैं ट्रिपल एस के फाउंडर ए के पांडे सर को तहे दिल से नमस्कार करता हूं, साथ में हमारे आदरणीय अजय कुमार कुशवाहा सर मेंटर, उनको तहे दिल से नमस्कार करता हूं। हमारे बीच हमारे सफी सर हैं, बहुत सारे लाइंस लीडर हैं, सभी को मैं नमस्कार करता हूं। और आज गुलवेज आलम सर ने जिस तरीके से अपने बारे में बताए, ट्यांस के बारे में बताए, और सबसे खास बात उन्होंने बताया जो इंटरव्यू लिया, सफी सर का जो इंटरव्यू हो रहा था, इतना बेहतर लोग समझ रहे थे, और वाकई में ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि अपनी जीवनी के बारे में बताने से एक्सपीरियंस होगा कि हाँ जी आप कब ज्वाइन किए, क्या आपको डायरेक्ट सेलिंग में क्या आपको बेनिफिट हुआ, कैसे आप डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग है क्या। तो उसमें हम, हमारा टियांस के जितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जितने लीडर्स हैं, उनका कैरियर कैसे बन सकता है। तो बहुत अच्छा लगा गुलवेज जी, बहुत आपने अच्छे तरीके से आज इंटरव्यू लिया, और ऐसे ही इंटरव्यू चलता रहे ताकि हम लोग सुने समझे और आगे बढ़ते रहें। हमारे मेंटर कुशवाहा सर ने अभी अपना सारा चीज देखा है, बात सही है कि वो न सासाराम इवेंट में आए न सिवान में गए, लेकिन उनके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं,
बिजनेस बढ़ते जा रहा है, यही तो सबसे मुख्य खास बात है। हमारे पांडे सर ने बताया कि कुछ करना नहीं है, सिर्फ सिस्टम को फॉलो करो, सिर्फ सिस्टम को मानो और मान करके करते जाओ करते जाओ। एक दिन वही हाल होगा जो पांडे सर का हुआ, जो कुशवाहा सर का हो रहा है, जो सफी सर का हो रहा है, वही सबके साथ होने वाला है। तो वेरी वेरी थैंक्स गुलबेज आलम सर, थैंक यू सो आपने मच सर, बहुत आप अच्छा आए। इंटरव्यू लिया। थैंक थैंक यू यू सो मच थैंक सर, यू। थैंक यू सो मच, आप आए, आपने रिव्यू दिया। तो ज्यादा देर ना करते हुए इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। कानपुर से सिल्वर लॉइन लीडर हैं अरविंद कुशवाहा सर, तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और जोरदार ताली से उनका वेलकम करेंगे। सुनाओ प्लीज, वेलकम ऑन द जूम पैनल थैंक यू अरविंद सिंह सर, सर, कानपुर सिल्वर लॉइन। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम गुड सर, मॉर्निंग वेलकम 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 सर, गुड वेलकम मॉर्निंग सर, गुड वेलकम मॉर्निंग वेलकम वेलकम सर, वेलकम गुड वेलकम मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, बहुत मजा आ गया सर, बहुत वेलकम मजा। सर। और उधर देखिए, आज हमारा मतलब एक हमें लगता है कि आज मेरे लिए आज का दिन बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं आज अपने एक शिक्षक हैं हमारे साथ, दिखेगा आपको दिख रहा होगा सर, देव थोड़ा सा देखिए, हमारे बैकग्राउंड साथ में हैं मिस्टर इजहार हसन जी हैं हमारे साथ में, और अभी हम अपने महागुरु के क्षेत्र में ही हैं, उनके साथ में अच्छा मीटिंग अच्छा सुन रहा था, तो बहुत मजा आ गया। सफी सर का जो इंटरव्यू था, इसके बाद हमारे महागुरु पांडे सर का जो रिव्यू था, और अजय कुशवाहा जिनको हम लोग वास्तव में अजय कुशवाहा सर जिनको हम मोटिवेशन की मशीन के नाम से जानते हैं, और वो सारी चीजें एक रियल में प्रैक्टिकल दिखाते हैं। तो सभी लोगों का इंटरव्यू सुना और रिव्यू सुना, तो हमारे साथ में जो हमारे न्यू प्रोस्पेक्ट हैं वो पूरी तरह से बहुत अच्छे से उनको उनका विजन भी क्लियर हुआ और पूरी तरह से वो मोटिवेटेड है। तो ये मेरे लिए आज का इंटरव्यू बहुत अच्छा था, ग्रेट सर, ग्रेट, जबरदस्त यही जबरदस्त गुलवेश सिस्टम जी, की पावर है। जबरदस्त। यस सर, यस सर, और हमारी बेस्ट विशेष हैं आपके साथ, आप भी जल्द से जल्द लायंस क्लब में पहुंचे। एंड आई एम ऑल्सो बॉर्न फॉर HD। यस, यस रियल में यस मैं, सर, आई एम ऑल्सो रियल रेडी। में मुझे रात दिन सपने आते हैं कि मुझे कैसे, 83 का सपना मुझे रात दिन आता है। तो रियल में हम लोग जो है ना, अगर कहीं भी अगर कोई आवाज निकलती है, अगर एक कण से आवाज निकलेगी, एक सेल से आवाज निकलेगी, तो वो आवाज केवल 83 की होगी। तो थैंक यू सर, बहुत मजा आ गया। वेलकम सर, और ये वेलकम। दूसरा बिहार के जो शेर हैं, बस आज उनकी शक्ल देखने को नहीं मिला, बहुत मजा आ गया। थैंक यू दोस्तों, वेलकम सर, वेलकम वेलकम। और हमारे थैंक बीच यू में एक वेलकम। बहुत ही एक्सपीरियंसफुल पर्सनालिटी यहाँ पर मौजूद है, वो भी सिल्वर लॉयन है, फास्टेस्ट ब्रॉन्ज लैंड और फास्टेस्ट सिल्वर लॉयन। और सबसे बड़ी बात जो उनके मुख से हम सुनते हैं, वो एनी टाइम एक्टिव सिल्वर लॉयन लीडर्स, उनको यहाँ पर इनवाइट करेंगे। HD टीम के क्रिएटिव हैं अरविंद यादव सर, सुनाओ प्लीज वेलकम अपकमिंग गोल्ड लॉयन अरविंद कुमार यादव, अरविंद यादव सर, प्लीज वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर, सर, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग यादव सर, सर, गुड वेलकम मॉर्निंग वेलकम सर, वेलकम। वेलकम। लगातार सर कनेक्ट रहे और मैसेज पे मैसेज स्टेशन पे उनके हम देख रहे थे, वो मैसेज मैसेज चैट बॉक्स में कर रहे थे, शायद हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही और बहुत देर से हम देख रहे हैं। हमारे बीच में सर अरविंद सर ओके, वहां आवाज नहीं आ रही, तो बहुत देर से हम देख रहे हैं, मेरे पास हैंडल्स भी हैं और डॉक्टर अशोक बाबू सर ब्रॉन्ज लाइन है, तो उनको ज्यादा देर ना करते इनवाइट करेंगे डायरेक्ट। प्लीज वेलकम अशोक शर्मा सर, अशोक बाबू शर्मा सर, अपने आप को प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। गुड वेलकम, मॉर्निंग सर थैंक यू, अशोक गुड मॉर्निंग बाबू सर, सर, गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। थैंक यू मॉर्निंग, गुलवे गुड मॉर्निंग जी, सर, उनकी शान अशोक बाबू वेलकम सर। सर, थैंक वेलकम यू सर, वेलकम, वेलकम थैंक यू वेलकम वाइन सर, वेलकम सर, अशोक वेलकम बाबू शर्मा डॉक्टर, सर, ग्रेट सर, ग्रेट। थैंक यू थैंक इस बार वेलकम यू, के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त वेलकम करता सर, हूँ। वेलकम, थैंक गुड मॉर्निंग यू सर, सर, थैंक यू अजीब साहब जी, आप दर्शन रह गए, आपके दर्शन नहीं हो पाए। ठीक है, तो अब मैं गुलवत जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक नया पैटर्न दिया है SSS सिस्टम पे, और इतना पावरफुल पैटर्न है ये इंटरव्यू वाला। मुझे लगता है कि अगर बहुत कम लोगों में क्षमता है, लेकिन अगर हो पाई तो इसमें मैसेज बहुत मिलता है, बहुत मैसेज मिलता है, और वो बहुत मैसेज मिला है आज सफी मोहम्मद जी को सुन के, आपके प्रश्न और सफी मोहम्मद जी का प्रेजेंटेशन। अब सफी जी का तो चेहरा दिखते ही आदमी को कूल कूल हो जाता है, और इतने कूल आदमी ने जब अपने
मुखारविंद से सब बातें बोली हैं तो उनका प्रभाव बहुत पावरफुल है। तो सबसे पहले मेरे प्रेरणा के स्रोत मैं अरविंद कुमार पांडे जी को धन्यवाद देता हूँ। कल मैं गुरुद्वारे में गया था दर्शन करने, कल और परसों में लखनऊ में ही था, पर मेरा दुर्भाग्य था मेरी ट्रेन का रिजर्वेशन हो गया और वो लेट हो गए, आ नहीं पाए, मुलाकात नहीं हो पाई। तो मैं पांडे जी से क्षमा मांगता हूँ, कल मैं दर्शन करने गया था और ये तो हमारी ट्रेन थोड़ी जल्दी हो गई और ये थोड़े लेट आए थे। ये मेरे प्रेरणा के स्रोत हैं और मुझे जिसने इस बिजनेस में उंगली पकड़ के चलना सिखाया, मेरे गुरु अजय कुमार कुशवाहा जी, मेरे पास शब्द नहीं है उनको थैंक्स करने के लिए। नहीं तो मैं एक रिटायर्ड अफसर था और जाने कितने लाखों रिटायर्ड अफसर घर पे पड़े हुए हैं, लेकिन आज वो मेरे आए, उन्होंने मुझे इन्होंने बिजनेस दिया, उसका परिणाम है कि आज इतने सारे लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है। कल हम जब लखनऊ में थे ओपीपी में, तो वहाँ मैक्सिमम लोग जिनको हम नहीं जानते थे, वहां जो प्यार सम्मान मिला, तो मेरे साथ मेरे दो मित्र थे, वो दोनों मित्र थे, वो इतने खुश थे इस बात को देख के कि लखनऊ में आप आए हो और लखनऊ में इतने लोग जानते हैं आप, ये सब ट्रिपल एस का और टीएस का कमाल है। अगर टीएस में नहीं होते तो ट्रिपल एस में नहीं होते, ट्रिपल एस में नहीं होते तो आपके सामने नहीं होते। राइट सर, राइट राइट राइट। तो इसकी पावर को मैं किसी को भी ये कहना चाहता हूं, कोई कम नहीं आके अपनी होशियारी के पीछे, कई बार हम अपनी होशियारी के पीछे अपने सिस्टम को कमजोर मान लेते हैं। आपकी कोई ताकत नहीं अगर आपके साथ सिस्टम नहीं है तो, मुझे ऐसा लगता है, मैं मेरी व्यक्तिगत फीलिंग बता रहा हूं कि अगर ये सिस्टम ना होता तो अशोक बाबू शर्मा ना होते। तो मैं इतनी बड़ी पोस्ट पर रहने के बाद ये कह सकता हूं कि जो भी ताकत है सिस्टम में, तो दोस्तों इस सिस्टम का उपयोग करें और कभी भी कोई मीटिंग फंक्शन को कभी नहीं छोड़े, चाहे आपकी जूम मीटिंग हो और चाहे आपका बीपीएस हो, उसके लिए चाहे कर्ज लेना पड़े, लेकिन इसको मिस ना करें। मैंने देखा है लोग मीटिंग अटेंड करते हैं और कामों में लगे रहते हैं, उनकी जिंदगी में अगर वो 10 साल भी अटेंड करते रहे तो उनको कुछ मिलने वाला नहीं है, डियांस कुछ मिलने वाला सर, नहीं। राइट, बिल्कुल सही बात सर। हाँ, मिलेगा उन्हीं को जो उसको एज ए कोचिंग क्लास अटेंड करेंगे, जैसे कोचिंग क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, अगर वो एटीट्यूड आपका मीटिंग में बैठने का नहीं है तो आपको ये सिस्टम कुछ मदद नहीं करेगा, आप जैसे पढ़े वैसे पढ़े रहेंगे। तो मैं आपको इस बात का भी मैसेज देना चाहता हूँ, आज गुलवे जी ने बहुत अच्छी लाइन बोली, वो जो बोली थी कि कारपेंट बढ़ रहा था और मेरे जो कर्ज था, मुझे लगा कि मेरा कर्ज इससे रिफंड हो सकता है। अगर बाय दी वे उस मीटिंग को आप कोई कैजुअली सुन रहा होगा तो ये लाइन उसको समझ में नहीं आएगी, और नहीं आएगी तो उसकी जिंदगी नहीं बदलेगी। तो गुलवेद जी, आपका शेयरिंग भी बहुत शानदार था, और सफी जी का तो हमेशा कोई क्वेश्चन ही नहीं है, वो तो रोल मॉडल है, लोगों के प्रेरणा के स्रोत हैं, और मैं चाहूंगा सब लोग गंभीरता से लें सिस्टम को। सिस्टम में जब बैठे हैं तो आपको कोई काम नहीं होना चाहिए सुनने के अलावा, अगर वो है तो आप समय खराब कर रहे हैं। मेरे एमएमए लीडर थे, वो कहा करते थे कि अगर सर वॉइस नहीं आ रही आपकी, आप पैसे भी वसूल कर रहे हो और आपका पढ़ने का समय भी वसूल कर रहे हो, तो वो इम्प्लीमेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, और इम्प्लीमेंटेशन जब तक हो नहीं सकता जब तक आप कंसंट्रेट ना हो। तो गुलवेद जी, आपने मुझे आज मोरने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सफी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अजय कुशवाहा जी का तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, आज जो कुछ भी हूं मैं उनका प्रोडक्ट। थैंक यू सो मच सर। और अजय कुमार पांडे जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू गुलवेद जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत ही अच्छा अपना रिव्यू दिया, और हमारे बीच में कानपुर की धरती से, कानपुर शहर से एक और सिल्वर लाइन लीडर मौजूद हैं, और यंगेस्टर सिल्वर लाइन है विनय सिंह जी मौजूद हैं यहाँ पर, जो उनको इनवाइट करेंगे। प्लीज अपने माइक को ओपन करें मिस्टर विनय सिंह जी। गुड मॉर्निंग, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, विनय सिंह जी, पहुंच रही है। वेलकम विनय जी, वेलकम, वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग। ओके, शायद कुछ आवाज, विनय सर अगर मेरी आवाज आपको आ रही है तो प्लीज आपका माइक ओपन हो गया है। गुड मॉर्निंग विनय सर,
चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी कड़ी में और एक लास्ट रिव्यू लेंगे। और रिव्यू क्या लेंगे, ऑलरेडी वो एक ऐसे प्रोफेशन से रहे हैं जहां पर गुरु की महिमा हमेशा रही है। प्रोफेसर हैं अलीगढ़ से, मिस्टर अजय आईचांद सर, एक बहुत अच्छे वक्ता भी हैं और एंकर भी हैं, एक अपकमिंग 8 स्टार लीडर भी हैं। सुनाओ प्लीज, वेलकम अजय आईचांद सर। गुड वेलकम गुरुजी, वेलकम, गुड मॉर्निंग, वेलकम मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, वेलकम। गुड मॉर्निंग, वेलकम, वेलकम वेलकम सर, वेलकम। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, थैंक शुरू यू। भी गुड मॉर्निंग, आपसे, खत्म भी आपसे। गुड यस मॉर्निंग सर, सर, ओवर टू सर। गुड मॉर्निंग गुलवे सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस इंटरनेशनल पैनल। और मैं धन्यवाद करता हूँ परम पिता परमेश्वर का कि उसने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर जोड़ा। और 21 सितंबर 2021 को मैंने अपना सेंटर स्टार्ट किया और आज मैं ये सोचता हूं कि मैं कहाँ पे था और कहाँ पे आ गया, कहाँ से कहाँ आ गया। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो मुझे सेहत देता है, जो मुझे धन देता है, जो मुझे खुशियां देता है, जो मुझे संतुष्टि देता है और निरंतर जीने का एक कारण देता है, ये सबसे अहम बात है। और आज का जो सेशन रहा है गुलवेज आलम सर ने, जो ये एक नया ट्रेंड इस प्लेटफॉर्म पे आरंभ किया, ये बहुत ही बढ़िया। मैंने कल भी कहा था, जैसे चैट विद सुरेंद्र वत्स का जो पैनल है और उसमें बड़े बड़े लीडर्स को हमें सुनने का अवसर मिलता है, और आज ये मेरा सौभाग्य, मैं तो अपना सौभाग्य कहूंगा कि मेरे ग्रेट लीडर डॉक्टर शफी मोहम्मद सर का पहला ये इंटरव्यू हुआ आज और इतना जबरदस्त रहा है ये। गुलवेश सर ने जो स्लाइड शेयर की और जिस तरीके से उन्होंने मोटिवेशन दिया वो अमेजिंग था। उनकी होस्टिंग बहुत जबरदस्त होती है हमेशा और वो एक बहुत जबरदस्त रोल मॉडल है और हम सबके लिए बहुत अच्छी इबरत वो स्थापित करते हैं। थैंक यू वेरी मच गुलवेश सर, आपके जबरदस्त होस्टिंग के लिए, आपके सेशन के वेलकम लिए, सर, वेलकम। और उसके बाद जो आपने जो जो आपने क्वेश्चन एयर तैयार किया, मैं सोच रहा था कि सर ने कितना समय दिया होगा इसमें और कितना आपने अपना माइंड उसमें खर्च किया है। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, हैट्स ऑफ टू यू सर, अमेजिंग अमेजिंग। जो आपका क्वेश्चन एयर बिल्कुल था ऐसा, वो बहुत ही बिल्कुल सिस्टमेटिक, बिल्कुल जैसा एक धारा बहती है, एक फ्लो होता है, उस तरीके से आपने आज का ये सेशन जो इंटरव्यू के रूप में आपने हमारे ग्रेट लीडर अपकमिंग डायरेक्टर टीएनएस इंडिया डॉक्टर शफी मोहम्मद सर का लिया, बहुत ही जबरदस्त था सर। हैट्स ऑफ टू यू, थैंक यू वेरी मच। और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने ग्रेट लीडर का डॉक्टर शफी मोहम्मद सर का, उन्होंने जो अपनी लाइफ जर्नी बताई, तो जब वो बताते तो मोटिवेशन होता है, ऐसा लगता है हम उन्हीं के साथ घूम रहे हैं, हम उन्हीं के साथ चल रहे हैं, हम उन्हीं के साथ चाइना में भी घूम रहे हैं सब, ऐसा लगता है बहुत ही अमेजिंग सब कुछ रहा। बहुत ही जबरदस्त सेशन थे सर, थैंक यू वेरी मच। और जितने भी ग्रेट लीडर्स ने अपना शेयरिंग करी और लॉयल लीडर्स ने, हमारे डायरेक्टर साहब ने, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद करते थैंक हुए यू अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच सर, यू ऑल द थैंक यू वेरी सो मच। बेस्ट, गो गो एच डी, थैंक यू सर, थैंक ओवर यू। टू यू सर। तो हम लोग इस सेशन को, हमारे साथ में सभी सर हैं, पांडे सर हैं, तो मुस्कुराते हुए चेहरे से इस सेशन को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। तो सभी लोग अपने अपने कैमरे खोलो और एक बार मुस्कुराते हुए, हाथ हिलाते हुए बाय करेंगे। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारे बीच में कैमरा ऑन करके आ रहे हैं। ग्रेट, नाम लेना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इतने सारे चेहरे मिल रहे हैं। अरे पीपी सर मौजूद है हेडफोन लगा करके। ग्रेट सारे लोग मिले, ग्रेट, कुछ लोग अंधेरे में मुस्कुरा रहे हैं, अंधेरे वाह। में क्या है, गाड़ी चला रहे हैं। अरे चलिए आज विदा लेते हैं आप लोगों बेटर से, टेस्ट, विश बेटर लाइफ, यू बेटर ऑल द हेल्दी लाइफ, बेस्ट। इस बेटर बेटर लाइफ, लाइफ, बेटर बेटर लाइफ, लाइफ, गो एचडी, गो थाईलैंड, गो एचडी, गो थाईलैंड, गो गो थाईलैंड, एचडी, गो एचडी, गो गो थाईलैंड, थाईलैंड, गो गो एचडी, एचडी, थैंक यू। जय टीएस, जय भारत, जय टीएस।